अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं अब 65 चिकन के टाइप में बना रही है। इसको थोड़ा सा चिकन को गरम मसाला लगा के, नमक लगा के गला ली। गला के क्या करें, इसमें 2 चमचे कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा, 2-3 चमचे मैदा और लाल मिर्ची, 1/2 चमचा नमक और 1/2 चमचा अदरक लहसुन, 1/2 चमचा धनिया, जीरा, ये पूरे आइटम्स डाल के और दही आधी प्याली डाल के इसको अच्छा सा 3-4 घंटे भिगा के रखिए। वो मैं इसको तलूँगी, कैसा तलना आपको बताती हूँ। देखिए तेल गरम हो गया, इसको ऐसा सा डीप कर लेके बिस्मिल्लाह फ्राई कर लेते हैं। ऐसा पूरा फ्राई कर लेना, पूरा इतना आइटम्स पूरा इतना फ्राई कर लेके मैं बघार के सब बता दिया। 2 चमचे तेल, लहसुन, करिया पात। मैं 65 चिकन के साथ ग्रेवी नहीं बना रही, मैं दाल बनी थी थोड़ी, दाल के साथ चखने के लिए बोल के मैं सब बना के बता रही आप लोग को। मेरे ग्रेवी बोला तो टमाटर साग, चिल्ली साग सब डाल के बनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं बना रही। मेरे पूरा फ्राई कर ली मैं, फ्राई चिकन के टाइप में, मैं पूरा सा ग्रेवी के टाइप से नहीं बना रही। अच्छा बहुत अच्छा होता टेस्टी है, इसको फ्राई हो जाता थोड़ा सा, तो बता दिया आप लोग को। थोड़ा सा दम हो जाना अच्छा सा, थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, नींबू थोड़ा नींबू ला के। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं अब दाल के खट्टी दाल, हैदराबादी खट्टी दाल चिकन, माशाल्लाह रिजक में आलादा फरमाए। मैं पूरा डिटेल में क्या क्या मिला है सो पूरा बताइए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए दाल के साथ फ्राई करके बताई मैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।